मुझे पता है हर कोई उम्मीद बेच रहा है। उम्मीद एक चाल है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। ये आपके सामने लटकी हुई एक ऐसी हड्डी है जिसे आप कभी नहीं पकड़ पाते। ये एक ऐसा पागलपन है जो आपको एक पल के लिए भी चैन लेने नहीं देगा। ना उम्मीदी कोई समस्या नहीं, ना उम्मीदी का अभ्यास कीजिए। नमस्कारम सद्गुरु, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी चीज के प्रति बिना कोई उम्मीद रखे समर्पित होना ठीक है? भले ही आपका तार्किक मन कह रहा हो नहीं, कुछ नहीं होने वाला, जैसा कि आप कहते हैं कि अगर कोई सचमुच में समर्पित हो तो ये किसी के साथ भी होने वाली सबसे मधुर चीज है। किसी चीज के प्रति चॉकलेट, आप भी किसी चीज या व्यक्ति के प्रति? ठीक है ठीक है। भक्त पुराने समय से ही, अगर आप ज्यादा प्रसिद्ध भक्तों की ओर देखें, ऐसे कई रहे हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ज्यादा प्रसिद्ध भक्त, आप मीराबाई को लें, आप नयनमार को लें, और आज के कई कई सारे प्रसिद्ध भक्त, चाहे वे अक्का महादेवी हो या कई सारे कोई भी प्रसिद्ध भक्त हो, ऐतिहासिक रूप से आपको पता ही है उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने भी जो अनसुने हैं, चलिए उनके जीवन के बारे में बात नहीं करते, ये अलग है, अपने भीतर वे बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, पर उनके जीवन में उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबतों को बुलावा दिया हमेशा, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, बिना किसी उम्मीद के समर्पित, ये एक बहुत बहुत खराब शब्द है, आशाहीन समर्पण, लेकिन ना उम्मीदी एक अच्छी चीज है। I know everybody is selling hope. That's a psychological game. मुझे पता है हर कोई उम्मीद बेच रहा है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपसे भक्ति की बात नहीं कर रहा, पर आइए मैं आपसे ना उम्मीदी की बात करता हूं। हर रोज एक दिन अचानक अगर आपको लगता है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है आप दुखी महसूस करें। बस हर रोज आप देखते हैं कि इसमें असल में कोई उम्मीद नहीं है। ये कमबख्त उम्मीद क्या है? वैसे भी आप मरने वाले हैं, उम्मीद कहां है? ना उम्मीदी को स्वीकार कर लीजिए, आप देखेंगे कि बिना किसी उम्मीद के जीवन शानदार है। जहां कोई उम्मीद नहीं होती वहां कोई अपेक्षा नहीं होती, जब कोई अपेक्षा नहीं होती तब कोई निराशा नहीं होती। आप बस आनंद में रहना सीखिए, वसंत चल रहा है। ये यूरोप और अमेरिका की तरह नहीं है, मतलब सभी चटक रंगों का आपके सामने आना नहीं, पेड़ों पर सूक्ष्म चीजें होंगी, आपको उन्हें खोजना होगा। हीरे जवाहरात की तरह ये अभी पेड़ों पर बैठे हैं, आपको इसे खोजना होगा। ये आपके चेहरे पर नहीं फूट पड़ेगा क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये आपके साथ इस तरह की चीजें करता है, आपको पता तक नहीं चला कब सर्दियों से वसंत आ गया। ये किसी ठंडे देश जैसा नहीं है जहां सब कुछ सचमुच में ठंडा होता है और तब सूरज ऊपर आता है और वहां परिवर्तन नाटकीय होते हैं। यहां ये सूक्ष्म है, आपको ध्यान देना होगा। अगर आप नाउम्मीद हैं तो आप हर चीज पर ध्यान देंगे। ये कमबख्त आशा आपको हर समय एक भ्रामक स्थिति में रखती है, इसलिए ना उम्मीदी का अभ्यास कीजिए। भक्ति उसकी चिंता मत कीजिए, ना उम्मीदी को स्वीकार कर लीजिए, उम्मीद मत कीजिए। आप बहुत निराश लग रहे हैं, ना उम्मीदी का अभ्यास करें, जागरूक ना उम्मीदी। सच में इसमें कोई उम्मीद नहीं है, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में एक अच्छी जगह पर होंगे। उम्मीद एक चाल है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है, ये आपके सामने लटकी हुई एक ऐसी हड्डी है जिसे आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप किसी कुत्ते के सामने एक हड्डी लटका देते हैं तो वो जीवन भर उसके लिए दौड़ेगा, यही उम्मीद है। ना उम्मीद बन जाइए। आपके लिए उम्मीद कहाँ है, मेरा विश्वास कीजिए, आपके लिए हो सकने वाली सबसे अच्छी चीज होगी ईशा शमशान, वरना मुझे नहीं पता आप कहाँ मरेंगे। इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। आपको लगता है आप बच जाएंगे, आपको लगता है आप बच जाएंगे, नहीं तो कोई आशा नहीं। अपनी ना उम्मीदी को स्वीकार कर लीजिए, आप पाएंगे कि आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। ये कमबख्त उम्मीद आपको बहुत अवास्तविक बना रही है, आपके मन में हर तरह के ऐसे विस्फोट हो रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ना उम्मीद हो जाते हैं
तो आप बस वही करेंगे जो आप कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो आप करेंगे, आप जो नहीं कर सकते उसे आप नहीं करेंगे। जीवन इसी तरह होना चाहिए, है ना? हम जो भी कर सकते हैं वो होना चाहिए, हम जो नहीं कर सकते उसे लेकर कोई समस्या नहीं है। उम्मीद इस तरह नहीं है, ये एक ऐसा पागलपन है जो आपको एक पल के लिए भी चैन लेने नहीं देगा। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जब आप बहुत आशावान होते हैं, मैं कहूंगा शून्य ध्यान। बहुत ज्यादा उम्मीद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करने देगी। ना उम्मीद, कोई समस्या नहीं। ना उम्मीदी का अभ्यास कीजिए। समर्पण की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो समर्पण नहीं है।